कांग्रेस कार्य समिति की बहुप्रतीक्षित बैठक आज संपन्न हुई। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नाखुश G23 के नेताओं तक पहुंचने के साथ साथ उन्हें स्पष्ट संदेश देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं और बहैसियत प्रेसिडेंट पूरी तरह से सक्रिय हैं। इन नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे साफगोई पसंद करती हैं, लेकिन बातें मीडिया के जरिए से नहीं आनी चाहिए। उनका कहना था कि पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी हितों को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत खुद पर काबू रखते हुए खुद को अनुशासित रखना है। ख्याल रहे कि पिछले साल अगस्त में कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने एक खत लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव की मांग की थी। उस पत्र में पहली बार भाजपा के उत्थान को स्वीकार किया गया था और ये माना गया था कि नौजवानों ने खुलकर मोदी को वोट दिया है और कांग्रेस का वोट आधार खिसक गया है। उस पत्र में कहा गया था कि नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और इसकी वजह से पार्टी कमज़ोर हो रही है। इस ग्रुप जिसे G23 ग्रुप कहा गया था, उसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक जैसे 23 नेताओं के नाम शामिल थे। कांग्रेस आला कमान को उस समय शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस ग्रुप के एक मुखर नेता कपिल सिब्बल के घर पर हंगामा मचाया था। CWC की यह बैठक 5 महीने बाद बुलाई गई थी। इस बैठक को बुलाने से पहले सोनिया गांधी ने अंबिका सोनी और कमलनाथ के माध्यम से सुनिश्चित किया कि G23 के नेताओं तक पहुंचा जाए और जब गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुडा से बातचीत हुई, उसके बाद सोनिया गांधी ने यह बैठक बुलाई। ये माना जा रहा था कि इस बैठक में कांग्रेस के संगठन के चुनाव पर भी चर्चा होगी, खासतौर पर पार्टी अध्यक्ष के पद के लिए। सोनिया गांधी भले ही खुद को फुल टाइम प्रेसिडेंट कह रही हैं, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो उसके बाद सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही उन्हें पार्टी की कमान सौंपी गई थी। बहरहाल, मोदी सरकार की नाकामियों के जिक्र के अलावा सोनिया गांधी ने यह ऐलान किया कि संगठन चुनाव का शेड्यूल तैयार है और पार्टी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने। बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी की सीनियर नेता अंबिका सोनी की तरफ से की गई। अंबिका सोनी ने कहा कि सभी चाहते हैं कि राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, हालांकि ये उन पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव सितंबर 2022 में होगा। इस तारीख के पीछे कांग्रेस की वही पुरानी रणनीति है कि सितंबर 2022 तक कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, वो संपन्न हो जाएंगे और शायद पार्टी ये मानती है कि इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, इसलिए राहुल गांधी पर किसी तरह के खराब प्रदर्शन का ठीकरा न फूट जाए, इसलिए उन्हें बचाने के लिए सितंबर में चुनाव रखा गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।